अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो चलिए बनाते हैं पनीर भुर्जी, जो कि बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है और बस 5 मिनट में बन जाती है। यहाँ पर मैंने डाला है ऑलिव ऑयल, फिर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा। हम इसे 2-3 सेकंड के लिए अच्छे से भून लेंगे। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 1 प्याज जो मैंने फाइनली चॉप्ड की है। हम इसमें ऐड कर देंगे, फिर हम इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना है, बस थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी फिर हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, ये थोड़ी सी अभी ब्राउन हो गई है तो हम इसमें 2 टमाटर डालेंगे और टमाटर को अच्छे से सॉफ्ट होने तक हम पकाएंगे। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा तब हम इसमें और भी मसाले ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे 1-2 मिनट के लिए भून लिया था जब तक टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसमें कोरिएंडर भी है, तो मैं ये तीनों चीज़ों का पेस्ट मिलकर ही बनाती हूँ। जब ये थोड़ा सा भून जाएगा तो हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, ये घर की बनी हुई लाल मिर्च है, और थोड़ा सा पानी डालकर इसे हम अच्छे से भून लेंगे जब तक इसकी खुशबू नहीं आती तब तक। और थोड़ा पानी डालकर हम इसे अच्छे से भून लेंगे। जब हमारा टमाटर और मसाला पूरा ही सॉफ्ट हो जाएगा तो हम इसमें 2-4 और मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए ये सॉफ्ट हो गया है, अच्छे से पक गया है। तो अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर और पिंच ऑफ गरम मसाला। ये कस्तूरी मेथी है, आप इसे स्किप भी कर सकते हो, अगर आपके पास है तो आप इसे डाल दो, ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसे। फिर हम इसे अच्छे से भून लेंगे 1 मिनट के लिए। फिर हम इसमें डालेंगे पनीर, मैंने यहाँ पर पनीर हाथ से ही मैश कर लिया था। इसे डालकर आप अच्छे से मिक्स करना स्टार्ट कर दीजिए और फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि पनीर भुर्जी की कंसिस्टेंसी अच्छी बने। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा ही पानी ऐड किया था। अच्छे से मिक्स करके आप इसे लिड लगाकर 1-2 मिनट के लिए रख दीजिए। 1-2 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। ये देखिए 2 मिनट के बाद मैंने चेक किया, यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून बटर डाला था। बटर से इसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। फिर से इसे 1 मिनट के लिए लिड डालकर रख दीजिए। 1 मिनट के बाद ये देखिए हमारी पनीर भुर्जी बनकर तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा फ्रेश धनिया डालेंगे ऊपर से, अच्छा सा फाइनली चॉप्ड किया हुआ धनिया डालकर। ये भी हमारी पनीर भुर्जी बनकर तैयार है, हम इसे सर्व कर लेंगे। आप इसे रोटी, चपाती, चावल किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हो, बहुत टेस्टी बनती है खाने में। ये देखिए बनकर तैयार है, अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी ज़रूर ट्राई करना। अल्लाह हाफिज़।